हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे अब तक आए हुए एसएससी जेई में स्ट्रेस स्ट्रेन से, पोसोन रेशियो से, जितने भी अब तक 2008 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, जो जो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? यंग मॉडुलस का रेशियो क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है, ये नहीं होता। बल्क मॉडुलस का जो रेशियो होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की है, तो अगर आपको और अच्छे से बाकी ये सब के फॉर्मूले देखने हैं तो पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। और रिजिडिटी मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? सीयर स्ट्रेस टू सीयर स्ट्रेन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट, इसका रेशियो जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पोजोन्स रेशियो, पोजोन्स रेशियो में अभी तक जितने मैंने सारे पेपर देखे उसमें लगभग हर दूसरे पेपर में पोजोन्स रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोजोन्स रेशियो लगभग 40-50% पेपरों में आया हुआ है। तो ये पोजोन्स रेशियो क्या होता है? पोजोन्स रेशियो जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल को हम लीनियर स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, इसका फॉर्मूला तो लगभग इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी हमेशा पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, लगभग हर पेपर में पोजोन्स रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन जो है ये है, लिस्ट टू ये है, तो इसमें हमें मैच करना है दोनों को। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेस स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो यंग मॉडुलस का होता है। हमें पता चल गया जो पहला है वो तो बी होगा। पोजोन्स रेशियो का भी बात की है, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, या फिर उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल देते हैं, लीनियर स्ट्रेन भी बोल देते हैं। तो सेकंड का ये हो गया। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस पहले क्वेश्चन जो था अब उसमें ही तो था, डायरेक्ट स्ट्रेस टू कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो थर्ड का ऑप्शन फोर हो गया। और रिजिडिटी मॉडुलस का, इसका जो रेशियो होता है सीयर स्ट्रेस टू सीयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अभी इससे मिलते हुए इसमें जो क्वेश्चन आया उसको देखते करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहले का फर्स्ट का बी है, तो फर्स्ट का बी, और सेकंड का ए, सेकंड का ए, थर्ड का डी, और फोर्थ का सी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, मतलब यंग मॉडुलस ई और एन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एन मॉडुलस रिजिडिटी को इसमें एन से डिनोट किया हुआ नहीं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया। तो इसका जो रिलेशन क्या होता है, अगर पिछले लेक्चर में हमने इसका रिलेशन, सारे रिलेशन के बारे में बात किया है, पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। तो इसका जो रिलेशन होता है ना, इसका रिलेशन ये होता है इक्वल्स टू टू जी वन प्लस वन बाय एम। और इस वन बाय एम को जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पोजोन्स रेशियो म्यू के इक्वल होता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें हमने जी को एन माना हुआ है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो और सेम क्वेश्चन ही 2008 में आया था, ये 2009 में और 2010 में भी सेम क्वेश्चन आया है। बस इसमें क्या कर दिया है अभी बताया, जो ये म्यू वन बाय एम जो म्यू के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं इक्वल्स टू टू एन ब्रैकेट में वन प्लस म्यू। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो 2009 में भी आया, 2010 में भी आया, तो इम्पोर्टेंट है ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो आइए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोइंग इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब हमें इसमें बताना कौन सा फोर्स लग रहा है।
मतलब दोनों बार की तरफ लग रहे हैं, मतलब कंप्रेशन फोर्स है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन 2017 में आया। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इससे इजी क्वेश्चन शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं मिलेगा, तो 2017 में आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब यंग मॉडुलस ई मॉडुल ऑफ रिजिडिटी जी फॉर ए मटेरियल हैविंग पोजोन रेशियो, मतलब पोजोन रेशियो म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया 0.2, ये 1/m के इक्वल होता है। तो हमें तीन चीज मतलब हमें बताना है कि ई और जी का रेशियो किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ई इक्वल्स टू 2g 1 + 1/m, या इसको हम पोजन रेशियो के इक्वल होता है, म्यू भी बोल सकते हैं। तो हम पोजन रेशियो दिया हुआ है 0.2, तो ई इक्वल्स टू 2g 1 μ की वैल्यू दी हुई है प्लस 0.2 लिख सकते हैं हम। तो ये जी उसके नीचे चला जाएगा, तो ई बाय जी रेशियो में आ चुका है जो हमें फाइंड करना है। तो और हम इसको फिर सोल्व कर देंगे 2 × 1.2, तो क्या आ जाएगा ई बाय जी का 2.4। तो इसमें ऑप्शन ए हमें 2.4 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए 8th क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉजन रेशियो म्यू इज डिफाइन एज, फिर से पॉजन रेशियो क्या होगा, 2013 में भी आया है पॉजन रेशियो का, मतलब लगभग हर पेपर में आया, तो इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो हमने भी देखा है, तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। इसका जो एक और फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और इसका एक और फॉर्मूला ही जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, तो इस यही इक्वल होता है पॉइजन रेशियो के। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो अच्छा ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मटेरियल है उस पर लोड लगा उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, लोड हटाने के बाद जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, तो जो प्रॉपर्टी होती है ना वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। और इलास्टिसिटी कौन सी होती है, हमने लोड लगाया डिफॉर्मेशन हुई, लोड हटाया डिफॉर्मेशन वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसे प्लास इलास्टिसिटी बोलते हैं। ब्रिटलनेस मतलब कोई भी जो बिना डिफॉर्मेशन के कोई भी मटेरियल रप्चर से ब्रेक हो जाए, मतलब ग्लास इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ग्लास जब देखेंगे तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती, वो एकदम से टूट जाता है, तो इसका एग्जांपल ग्लास है, तो ब्रिटल वो होता है। और डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल क्या होते, कौन से होते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल जिसको हम वायर में चेंज कर दें, उसमें फोर्स लगा के अप्लाई करके, तो उसे डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है, जिसकी यूनिट नहीं होती कोई, तो शियर फोर्स इसकी होती है न्यूटन, और स्ट्रेस स्ट्रेस की भी होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेन स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये जो होता है ना रेशियो होता है, ये रेशियो होता है ना चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसका ये रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई एंड के व्हेन पोजोन रेशियो, पोजोन रेशियो दिया और पूछा हुआ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इक्वल्स टू के ऑप्शन दिए हुए सारे, तो हमें पता है ई और के बीच में क्या रिलेशन है। पिछले लेक्चर में हमने सारे रिलेशन देखे हैं, सारे ई के और जी के तीनों के रिलेशन। तो ई और के बीच में क्या रिलेशन होता है, ई जो होता है ना 3K1 − 2/m, तो ये रिलेशन होता है, इससे हमें पोजोन रेशियो दिया हुआ है। पोजोन रेशियो किसके इक्वल होता है, पोजोन रेशियो होता है म्यू, और उसको हम 1/m के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू 3K1 − 2 × 1/m हो जाएगा, उसको म्यू लिख सकते हैं, और म्यू की वैल्यू में दी हुई है 0.25 लिख सकते हैं हम इसे,
0.25 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। 0.50 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.53 के। और अभी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 1.5 के। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट है। चलो आइए 12th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। यही सेम इजी क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है सेट 8 में। तो इसमें दो फोर्स लगे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन दी हुई है। तो हमें बताना क्या इसमें टेंसाइल फोर्स है, क्योंकि अपोजिट वो अवे फ्रॉम द बार लग रहे हैं, मतलब इसमें टेंसाइल क्रिएट हो रही है, मतलब बार की लेंथ बढ़ेगी, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है, आसान है, आया हुआ है 2017 में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सी एस स्ट्रेस एंड सी एस स्ट्रेन ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज, मतलब सी एस स्ट्रेस और सी एस स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बोथ मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी एंड सीयर मॉड्यूल। हम बोथ के इक्वल होता है, मतलब क्योंकि इसको सीयर मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो सी एस स्ट्रेस डिवाइड बाय सी एस स्ट्रेन होता है, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी का भी जो फॉर्मूला होता है ना सी एस स्ट्रेस डिवाइड बाय सी एस स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, यह आया 2017 के सेट 8 में आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक इफ, मतलब कौन सा मटेरियल परफेक्ट इलास्टिक होगा। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इट रिगेन इज ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, इट रिगेन इज ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन रिमूवल, इट डज नॉट रिगेन इज ओरिजिनल शेप नॉन ऑफ द दिस। तो इसमें जो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल होते हैं, हमने किसी भी जैसे मटेरियल उस पर लोड लगाया उसमें शेप में चेंज हुई, तो इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, हमने लोड हटा दिया तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा ना ए करेक्ट होगा, क्योंकि इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, ये जो होता है इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये ऑप्शन बी में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, जैसे इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन रिमूवल, जो ये होता है ना पार्शियली आ गया, तो मतलब ये जो है ना इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल है, इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल, मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक है, तो इसे इलास्टो प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस द मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी, मतलब यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है जो दुगुना है रिजिडिटी के, मतलब 2 से इंटू कर देंगे मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी को तो इक्वल हो जाएगा यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी के, एंड देन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल। तो हमें पॉइजन रेशियो बताना है, इसका पॉइजन रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा हमें पता है जी और ई का रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल्स टू 2g 1+1/m, इसको हम म्यू बोलते हैं जो पॉइजन रेशियो होता है। हमें तो पॉइजन रेशियो फाइंड करना है, तो हमें E की वैल्यू 2g के इक्वल दी हुई है, तो हम यहाँ E की वैल्यू डाल देंगे 2g के इक्वल, तो उस साइड भी 2g है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1+μ, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उस साइड ले जाएंगे तो -1। तो ऑप्शन ए करेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें क्यूबॉइड का जो होता है ना सारी डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो उसके लीनियर स्ट्रेन के इक्वल होता है, तो उसका प्रूफ भी देखेंगे और उसके ऊपर एक मेडिकल भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।